दुनिया डिजिटल एरा में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सारी चीज़ों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बेस रहा है इंटरनेट, और आज जानते हैं क्यों भारत एक ऐसा प्लान बना रहा है जिसके जरिए 2.5 लाख गांवों को 10 लाख किलोमीटर फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अब वैसे ये प्रोजेक्ट सुनकर ऐसा लगता है कि किसी भी डेवलप देश के लिए ये बहुत जाहिर सी बात है कि अपने हर एक कोने तक वो इंटरनेट पहुंचाए। लेकिन दुनिया भर में ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। अगर अब यूएसए, यूरोपियन यूनियन इन जैसे देश या भागों की अगर बात करोगे तो यहाँ पर टोटल रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन 39% से भी कम है। यानी इन देशों के 39% भागों में आज भी रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है और यहाँ के लोगों को ज़्यादातर डायलअप कनेक्शंस या फिर बहुत ही महंगे वायरलेस सैटेलाइट इंटरनेट पर डिपेंड रहना पड़ता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 2020 में इंडिया के नंबर्स इन देशों से ज्यादा बेहतर है रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन के हिसाब से। अब इन देशों में दिक्कत पहले ये आई थी कि इंटरनेट को एक लग्जूरियस एमिनिटी की तरह माना गया था, जबकि आज हम जान चुके कि इंटरनेट किसी भी लग्जरी से ज्यादा एक एमिनिटी है, एक नेसेसिटी है। और आज इंटरनेट बैंकिंग, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी सीकिंग, बिजनेस, इन सारी चीजों में इंटरनेट की जरूरत है। इंडिया में इस बात का निश्चय 2017 में किया गया कि जितनी भी हमारी 250,000 ग्राम पंचायत है उनमें ये कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके लिए यूज किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर्स का, यानी लाइट के जरिए हाई स्पीड और हाई बैंडविड्थ के साथ में इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए इनिशियली 10 लाख या 1 मिलियन किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क बिछाया जाने वाला है, जिसके लिए टोटल कॉस्ट आएगी 45,000 करोड़ रुपीस। इन सारे के सारे कनेक्शंस में इनिशियली मिनिमम 100 Mbps की स्पीड रखी जाएगी, जबकि अपर बैंडविड्थ एक फाइबर के लिए 1 Gbps तक की होगी, जबकि दूसरा फाइबर डेड रखा जाएगा आने वाले कुछ सालों तक। यानी हर गांव में 2 फाइबर जाएंगे, जिसमें से एक फाइबर को पर्पसली बंद रखा जाएगा और दूसरे फाइबर को सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से बनाया जा रहा है कि आगे जाकर जब डिमांड बढ़ेगी, इंटरनेट की स्पीड्स बढ़ेगी, उस समय पर दूसरे फाइबर का उपयोग भी शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीजों पर स्पेसिफिकली ध्यान रखा गया है, जैसे किसी भी गांव में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचने के बाद में वहां के लोकल ISP, केबल ऑपरेटर, टेलीफोन नेटवर्क एजेंट, ये कोई भी इंटरनेट कनेक्शंस पर मोनोपोली नहीं बना सकता है। इसके कारण ये गारंटी होगी कि सारे लोगों को सस्ते में और अपने हिसाब से इंटरनेट दिया जा सकेगा और कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल पार्टी को पार्शियलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे। सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में बैंकिंग, ई-स्टेटमेंट्स, लैंड रिलेटेड इश्यूज, फार्मिंग रिलेटेड इश्यूज, इन सारी चीज़ों का काम ज़बरदस्ती ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है और स्टाफ को भी ट्रेन किया जा रहा है कि आगे से ये सारा काम वो ऑनलाइन तरीके से करे और इंटरनेट का उपयोग हो, लोगों को भी अवेयरनेस हो। साथ में कई गांवों में पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई इन जैसी सुविधाओं का भी इंतजाम किया जा रहा है। करेंट स्टेटस की अगर दोस्तों बात करें तो जो एम्बिशियस 250,000 ग्राम पंचायत है उनमें से 1,05,000 ग्राम पंचायतों में ऑलरेडी इस तरीके के कनेक्शंस पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर 100% हर एक ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस पहुंचा दिए गए हैं, जबकि कई सारे स्टेट्स 80% के आसपास भी पहुंच चुके हैं। अब तक 4,62,607 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स का जाल देश भर में बिछ चुका है और इन कनेक्शंस के जरिए हर महीने 872 TB की बैंडविड्थ यूज हो रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अगर एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसके शुरू होने के बाद में कुछ बड़ी दिक्कतों का सामना इसे करना पड़ा है और आगे जाकर इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिक्कत जो देखने मिली है वो है लॉन्ग डाउन टाइम्स। दोस्तों, जब भी कोई भी इंटरनेट कनेक्शन हमारे घर पर डाउन होता है तो हमें एक कॉल लेकर विद इन कुछ मिनट्स या फिर आवर्स के अंदर हमें अपना इंटरनेट कनेक्शन वापस मिल जाता है। इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है कि कोई भी रिपेयर या मिस्टेक जल्द से जल्द ठीक कर दी जाती है। लेकिन कई सारे भारत नेट से कनेक्टेड गांवों में ये दिक्कत देखी गई है कि अगर किसी भी कारणवश इंटरनेट कनेक्शन का डाउन टाइम आता है, कुछ भी बिगड़ जाता है, तो उसके बाद में उसे ठीक करने के लिए कई दिनों, कई हफ्तों और कुछ केसेस में कई महीनों का समय लग जाता है। इसके कारण रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन आज भी यहाँ पर नहीं है और इंटरनेट डाउन होने के कारण चीज़ें बंद हो जाती है, और इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कई सारे गांवों ने 100% इंटरनेट पर डिपेंड रहना सही नहीं समझा है।
और इस पर अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। इसके अलावा कई सारे गांव में इंटरनेट ग्राम पंचायत तक तो पहुंच गए, लेकिन इंडिविजुअल घरों तक कनेक्शंस लेने के लिए लोगों को आज भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली BSNL के स्लो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और बहुत ज्यादा TDS गवर्नमेंटल प्रोसेस कनेक्शंस लेने के लिए रखे गए हैं, जिसके कारण इंडिविजुअल कनेक्शंस ले पाना आज भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, इस पर आगे जाकर गवर्नमेंट काम करेगी और ना सिर्फ ग्राम पंचायत लेकिन एक्चुअल में जो लोग हैं उनके घरों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि पूरे के पूरे ग्राम पंचायत को इस तरीके के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया जाए और धीरे धीरे हमारी ऑलरेडी डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट वर्कफोर्स को और ज्यादा बड़े पैमाने पर डिजिटाइज किया जाए। स्पेशली आगे जाकर लैंड डीलिंग्स और गवर्नमेंट स्कीम्स को 100% डिजिटाइज कर दिया जाएगा, जिसके कारण ये काम बिना इंटरनेट के नहीं हो पाएगी और भारत नेट की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये प्लान एम्बिशियस इसलिए है क्योंकि कई सारे देशों में इंटरनेट पहुंचाने का काम पूरी तरीके से प्राइवेट एंटिटीज के हिसाब से किया गया है और सरकारी कंपनीज ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर गवर्नमेंट बिना प्रॉफिट्स का ध्यान रखे हुए कई गांव में जहां पर 100-200 लोगों की भी आबादी है वहां तक इंटरनेट पहुंचा रही है और उम्मीद कर देगी हमारे देश के हराइजिंग डेवलपमेंटल चेंजेस में भारत नेट का योगदान बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।